वो कल आके कहेंगे कि हमें जजमेंट ढूंढने के लिए समय दे दो, नहीं समझ में आया आपके। आगे माइंडर ये जी जो स्कूटर है, जी स्कूटर तो पे तो दो ही आदमी बैठते हैं, हाँ जी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? फिर वो सुप्रीम कोर्ट जब बालाकृष्णन के जजमेंट में गया तो उसमें आया कि एक्ट ओनली पॉलिसी में पिलियन राइडर या गाड़ी में बैठा हुआ ऑक्यूपेंट थर्ड पार्टी में नहीं आएगा और कवर नहीं होगा। और जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपका जो है केस में बहस नहीं होने देना। हम नॉर्मली 10 में 9 अपील हमारी खारिज ही होती है इंश्योरेंस कंपनी की। आपको याद होगा फ्राइडे को मैंने खुद बोला था मेरी अपील अच्छी नहीं है, इस वीक मैंने खुद रखवाई कि उसको आर्ग्यू कर देंगे। ओवर करने के बाद मेरे जी को कलेश होता है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है? प्लीज मैं अपील बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन अ वेरी शॉर्ट ग्राउंड दैट द पॉलिसी इन क्वेश्चन वॉज एन एक्ट ओनली पॉलिसी, सो इट वॉज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। द डिजीज वॉज अ पिलियन राइडर ऑन द इंश्योर्ड व्हीकल। सो एज पर द डिक्टम ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ 2013 बालाकृष्णन, द पिलियन राइडर इन अ एक्ट ओनली पॉलिसी इज नॉट कवर्ड, दैट्स द सेटल्ड लॉ। इनफैक्ट मोर रिसेंटली दिस अवर हाईकोर्ट, द डिविजनल बेंच ऑफ मद्रास हाईकोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑल हैज टेकन अ सिमिलर व्यू दैट इन अ Why the court has not considered? The court has considered paragraph number 32. The court has considered. Why the court has not accepted your argument? Court, I'll just point out that language. Paragraph number 30, internal page number 12 of the award. The evidence of the insurance company officer has been discussed. May I read paragraph number 30, my notes? अनावेदक क्रमांक 3 साक्षी सचिन श्रीवास, अनावेदक साक्षी क्रमांक 1 के कथन कराए गए। सचिन श्रीवास दिस ने अपने कथन में व्यक्त किया कि वह वर्तमान में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंदौर जिला इंदौर कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी में पदस्थ है। उसे न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु अधिकार प्राप्त है। दुर्घटना दिनांक 8/12/16 को वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक दिस घटना के समय उक्त वाहन बीमा पॉलिसी बीमाकृत थी। उक्त वाहन का पॉलिसी नंबर दिस जो दिनांक दिस पॉलिसी मंडल कार्यालय इंदौर से जारी की गई थी। दुर्घटना दिनांक दिस को वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक का बीमा एक्ट पॉलिसी थी जो लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी थी। उक्त वाहन का बीमा पॉलिसी में पिलियन राइडर की प्रीमियम नहीं लिया गया था। इसके बाद में पैराग्राफ 32 में पढ़ना चाहूंगा। ये कोर्ट ने एडमिट किया कि एक्ट ओनली पॉलिसी है, कवरेज नहीं है, उसके बाद पे एंड रिकवर कर लिया गलती से। नहीं, ये जो स्कूटर है, जी स्कूटर तो पे तो दो ही आदमी बैठते हैं, हाँ जी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? पॉलिसी अगर कॉम्प्रिहेंसिव होगी, इसमें ये हुआ था अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस भी किया। एक्ट ऑन पॉलिसी है तो उस पे एक ही बैठेगा आदमी? नहीं, बैठ तो दो सकते हैं। बैठने की क्षमता तो आरसी डिसाइड करती है या मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद आरटीओ। इंश्योरेंस पॉलिसी जो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कितने लोगों का लिया है वो ये जो एक्ट ऑन पॉलिसी है जो जिसका ये जजमेंट लाए हैं, इसके अंदर व्यक्ति पिलियन राइडर ही था या पिलियन राइडर ही था? पिलियन राइडर के बारे में इस जजमेंट में कहां कंसीडर किया? मैं वही बता देता हूं। उसमें हुआ क्या था सर, वो मैं रीड भी कर दूंगा। यशपाल लुथरा का जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट गया था, जस्टिस देयर मिद्दा साहब ने उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, आईआरडीए को बोला, आप पॉलिसी बनाइए कि क्या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भी जो अंदर गाड़ी में बैठे होते हैं वो थर्ड पार्टी माने जाएंगे कि नहीं। उस पर आईआरडीए ने एक सर्कुलर लेके आए, जिस सर्कुलर में बताया गया कि अगर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो जो अंदर गाड़ी में बैठे हैं या पिलियन राइडर है वो कवर्ड होंगे, लेकिन अगर एक्ट ओनली पॉलिसी है तो कॉम्प्रिहेंसिव है तो फिर बात ही अलग हो गई। तो बात नहीं, उसमें पूरा डिस्कस किया, मैं वही पढ़ दूंगा। वो यशपाल लुथरा के जजमेंट से करते करते फिर वो सुप्रीम कोर्ट जब बालाकृष्णन के जजमेंट में गया तो उसमें आया कि एक्ट ओनली पॉलिसी में पिलियन राइडर या गाड़ी में बैठा हुआ ऑक्यूपेंट थर्ड पार्टी में नहीं आएगा और कवर नहीं होगा, यही एग्जैक्टली अच्छा। बोला गया। इसी पे मैं रिसेंटली अभी अपने यहाँ के कोऑर्डिनेट बेंच ने भी मैं ये डिसाइड किया है, मैं वो सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ देता हूँ। हाँ, ये अपने यहाँ का कौन सा वाला जजमेंट का ये अभी रिसेंटली हुआ है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस वर्सेस शैलेंद्र ठाकुर, मैंने जो पास ऑन किया है। इसमें भी पिलियन राइडर ही है ये ममता, मैं सेकंड पैराग्राफ से क्लियर हो जाएगा। इट इज सबमिटेड बाय द लर्नर काउंसिल फॉर द अपेलेंट दैट एडमिटेडली डिजीज्ड ममता सिंह वाज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटरसाइकिल नंबर दिस इज विद द ड्राइवर ऑफ द मोटरसाइकिल दिस इज एज अ पिलियन राइडर। अब इसमें द कोर्ट हैज कंक्लूडेड इन पैराग्राफ 7-8, हाउएवर फॉर द प्रेजेंट लॉ इज वेल सेटल्ड Unless premium is charged for the pillion rider, insurance company is required to be exonerated from its liability of payment of compensation on account of injury death to a third party, which includes pillion rider. Since the policy is act-only policy, insurance company has been erroneously not exonerated by the tribunal. Therefore, insurance company is exonerated of its liability to make payment. और यही इस पे रिलाई किया है बालाकृष्णन वाला सेकंड पैराग्राफ में। क्या करें इस केस में? अजी, इस केस में आज क्या करें? एडमिट कर लें, एडमिट करके डाल दें। सर मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉ तो सेटल्ड है,
और ये आपने रखा भी था आज, अब आज यहाँ पे तो कोई बहस करने वाला नहीं ना, आपने रखा था आज ये टॉप ऑफ द अब लिस्ट क्या कुछ दोनों के लोग आते हैं, कंसर्न लोग से। आते नहीं है तो इनका कब तक इंतजार करेंगे आज। मैं उसमें भी बोलना चाहूंगा जो अपील अलाउ ने लाया था उसमें। अब ठीक है। मैं एक रिक्वेस्ट करूं आलोचस में, इसको टॉप ऑफ द लिस्ट कल के लिए कर दें, उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दें, क्योंकि लॉ सेटल है। स्टे जो भी है वो कंफर्म कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। अब लोगों को कब तक न्यौता दोगे आप बताओ? कम से कम अब ये एडमिटेड अपील होती तो इवन इन देयर एब्सेंस इट कैन बी हर्ड, लेकिन कोई आएगा नहीं। अपील एडमिटेड नहीं तो अपील एडमिट करें। क्योंकि सभी पार्टीज रिप्रेजेंट कर रही हैं एडवोकेट्स के थ्रू अपने। अब क्या करें, सिस्टम जरा माइनर चल रहा है वैसे ही। माइनर चूंकि हमारे वोकस का केस है, हाँ हाँ उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट वीक का रख लीजिए। माइनर वेरी गुड। कुछ नहीं करोगे कल भी आप? नहीं, माइनर उसमें चूंकि हुआ ये है, जो आर्ग्यूइंग काउंसिल है संजय कुमार मालवी जी, वो चूंकि पैनल लॉयर हैं और उनकी ड्यूटी अदर कोर्ट में है, तो हम उनके लिए आज शाम को सूचित कर देंगे। वो कल आके कहेंगे कि हमें जजमेंट ढूंढने के लिए समय दे दो। हूँ नहीं समझ में आया आपके, तो आगे मैटर चूंकि जब आई गया आपके समझ में तो काय के लिए बढ़ाए हम। हमारे मैं रिक्वेस्ट है बता रहा हूँ मैटर। आपको कल क्या होगा, बता रहा हूँ, मैं आज ही बता रहा हूँ। टाइम वेस्ट करोगे आप और कुछ नहीं करोगे। और ये कल भी ऐसी की ऐसी डली रहेगी फाइल। कल के लिए रख लो मैटर। जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपका जो है केस में बहस नहीं होने देना। हम सुप्रीम कोर्ट में पैराग्राफ 26-27 जो फाइनल डिस्कशन है, तो आज लगाए इसलिए ताकि बहस हो जाए, मना थोड़ी कर रहे हैं। कल के लिए रख लें मैडम निवेदन। आप किसके लिए हाजिर हो रहे हैं? रेस्पोंडेंट नंबर 3 की ओर से मैडम, टू हर्ड ऑन एंड क्वेश्चन, थ्री हर्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ एडमिशन अपील बीइंग पेरूस लिखिए, पेरूस सी रिकॉर्ड अपील बीइंग आर्गुएबली एडमिटेड फॉर फाइनल रिंग। जिसमें मैडम बकातनामा नहीं है जो कि हाँ कोई बात नहीं, तो आप मत और हाजिर होइए। देखिए, इशू नोटिस ऑफ फाइनलिंग टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ प्रोसेस फी इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम अ फेलिंग विद दिस अपील शैल स्टैंड डिसमिस विदाउट फर्दर रेफरेंस टू द कोर्ट। कोई धारा 5 वगैरह तो नहीं है इसमें? चलिए इसमें नहीं सर, वो आईआर पहले से चल रही है। आईआर पहले की दी हुई है जी। अब मैं ये मान के चलो ये पहले दिन एडमिट हो जाती है और आईए का साथ में नोटिस भी जाता ही है, आईए पे वो आते हैं, तो क्या आज आईए पे कंसीडर करते समय क्या रेस्पोंडेंट की सहमति से आज ये फाइनल नहीं हो सकती? हो मतलब सकती अगर है हो ना, सकती तो तो फिर ये इसको अनावश्यक जो है 8-8 साल अपन बिना एडमिशन के क्यों डाले रखते सर, हैं? वो तो हम लोग उसको नहीं बोल तो सकते, आप लेकिन लोग हम भी, ये आप जरूर लोग भी यहाँ आके यही बोलते हो कि साहब अभी तो नोटिस जारी कर दो केवल, कई लोगों ने ऐसा बोलते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा सर, हाँ नॉर्मली 10 में 9 अपील हमारी खारिज ही होती है इंश्योरेंस कंपनी की, नहीं, उसमें सब अब प्रेजेंट होते हैं जो क्लेमेंट्स। जो कम से कम अलाउ होने वाली है उसमें तो प्रोसीजरल जो प्रॉब्लम है वो तो दूर हो जाए। अब आज इसको जो है अलाउ नहीं कर सकते आपकी जब तक ये नहीं आएंगे। खारिज तो हो सकती है एडमिशन के पहले, ऐसा मेरा सोच रहा है। बकाया प्रोसीजर आप लोग ज्यादा जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट, इनको सर वापस कर इसको दीजिए इनका वीक फैसला। कमेंसिंग कर दे, फाइनल हियरिंग कर दे, आएंगे ना रात में ही आइए, अभी आके तो आइए का ही आइए के नोटिस पे वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि आइए के कंफर्मेशन के लिए लेगा, उस दिन आप खड़े होकर बहस कर लीजिएगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इनकी आईए तो ऑलरेडी इनने डिस्बर्समेंट की लगाई थी और रिजेक्ट हो आइए चुकी माने थी। आपकी आइए, हाँ इनने मेरी आईए पे मैंने पूरा पैसा जमा किया क्योंकि वो अभी इंटरेस्ट स्टे के प्रोटेक्शन, ऊपर है ना, तो तो इन्होंने डिस्बर्समेंट की लगाई थी वो भी रिजेक्ट हो गई। आइए अभी पेंडिंग है ना, तो उस पर जब जो आया जब आएंगे ये तो उस दिन फाइनल बहस हो सकती है। रोक कहाँ है? वो आएंगे नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, नहीं जैसे आएंगे आज तो भी आप, नहीं आएंगे तो आपकी आइए कंफर्म स्टे कंफर्म कर देंगे। वो तो हम पूरा पैसा जमा कर ही चुके हैं वर्चुअली, हमको उसका उसमें साथ में स्टे तो है, चल रहा होगा ना? बट पैसा तो हमारे पास से पूरा जा चुका है, कोर्ट के पास ही जमा है। कोई बात नहीं, तो स्टे तो है ना। हाँ इसमें मैं आपको वही बताना था, हाँ 18-12 को फिक्स डेट 5-1 के लिए रखी कोर्ट ने, इन्हीं के कारण 5-1 के बाद वो मैं आज कह रहा हूँ उसको आज आपका लाया। स्टे चल रहा है या नहीं चल स्टे रहा? तो है स्टे नहीं हो तो मैं स्टे करूँ ये कह रहा नहीं, हूँ। नहीं स्टे तो है सर, ठीक है, आपने रखा ही था कि आज फाइनली डिसाइड हो तो नहीं जाएगा आ रहे तो क्या करें हैं? सर, पास ओवर करके एक राउंड देख लें आने दो, अभी क्योंकि नोटिस जाने लॉ दो, सेटल्ड है, लॉ डिस्पोज हो जाएगी। सेटल्ड है, लेकिन ये यहाँ पे सेटल्ड नहीं है ना, ये यहाँ पे सर सेटल हो जाए। हाँ वो फेयरनेस हम दोनों साइड से चाहते हैं, आपको याद होगा फ्राइडे को मैंने खुद बोला था मेरी अपील अच्छी नहीं है, इस वीक मैंने खुद रखवाई कि उसको आर्ग्यू कर देंगे, तो वो फेयरनेस में दोनों तरफ से इस कारण चाहता वो हूँ कि वो वैसे डिस्पोजल भी मैं मिलना कितने चाहिए। दिन से, जब कोई है नहीं तो उसकी फेयरनेस के बारे में आज कैसे चर्चा सर करें? पास ओवर कर देना सर, जैसे अभी 1-2-3 करें।
नहीं, एक दो तीन तो जो है सेकंड अपील पुरानी चल रही है, एडमिशन का ही नहीं हुआ अभी। मैंने एक दो तीन ऐसे नहीं किए जो जो एडमिशन हो गया है, एक दो तीन वो किए हैं 2010 की, 2008 की सेकंड अपील है, एडमिशन पे बहस नहीं हुई है। मैं तो पास ओवर करने के बाद मेरे जी को कलेश होता है, आप लोगों को प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, इनको भी प्रॉब्लम है। पास ओवर मैंने जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट्स किया है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिस्टम किया है, तो मेरे को कितनी देर लगेगी जी लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स करने में। हो ही रहा है ना पिछले 15 साल से, लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स आज भी हो जाएगा। मेरी नहीं तरफ आपका से नहीं, कारण थी, आपका डिस्पोजल हो नहीं, जाएगा दूसरे केस पर, जी वो तो उनको रोका है मैंने।